फ्रेंड्स, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या पाचन से जुड़ी एक समस्या जिसको हम IBS भी बोलते हैं, और ये बीमारी होने का जो कॉज है, आंतों में अगर आपकी आंतों में बैक्टीरिया की असंतुलन या बैक्टीरिया सही बैक्टीरिया आपके आंतों में नहीं पाए जाने के कारण ये डिजीज ज़्यादातर होने की चांसेस रहता है। और इस बीमारी में पीड़ित व्यक्ति आंतों में दर्द, गैस, सूजन या कब्ज की समस्या या डायरिया जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। और कई लोग इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए कई तरह के एलोपैथिक होम्योपैथिक मेडिसिन की इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ एलोपैथिक और होम्योपैथिक मेडिसिन या आयुर्वेदिक मेडिसिन का इस्तेमाल करने की वजह से ज़्यादा कुछ आपको इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है। अगर आप एलोपैथिक की मेडिसिन भी इस्तेमाल करते हैं तो आपको साइड इफेक्ट होता है या आपके शरीर में कुछ डिफरेंट सा महसूस नहीं हो पाता है, यानी आपको जैसा महसूस हो रहा था वैसा ही महसूस हो रहा है। तो आज हम इस वीडियो में ऐसे कुछ 5 आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खे के बारे में बात करेंगे जो आपकी IBS जैसी कंडीशन के लिए एक रामबाण इलाज की तरह आप इसको मान सकते हैं, जो कि आपकी रसोई घर में मिलने वाला एक एक चीज से आप ये नुस्खा बना सकते हैं और उसकी लुत्फ उठा सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र कौर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रोलाइफ। चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं IBS से जुड़ी कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, नंबर 1 पे है अदरक, जो कि पाचन तंत्र के लिए एक अच्छा सा जड़ी बूटी की तरह हम इसको मानते हैं, और इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, एंटी इन्फ्लामेटोरी प्रॉपर्टी और इसमें एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज पाया जाता है। अदरक में ये सब चीज होने से ये आपकी आंतों से जुड़ी समस्या से आपको छुटकारा देता है। तो अदरक में ज़्यादातर जिंजरोल पाया जाता है, जो कि आपकी पाचन तंत्र को मजबूत करने के साथ साथ आपकी पाचन से जुड़ी पाचन या आपके आंतों से जुड़ी समस्या का भी समाधान ये कर सकता है। और अदरक का इस्तेमाल करने से गैस, पेट में ऐंठन, कब्ज और अपच जैसी समस्या से आपको छुटकारा मिलता है। और इसके लिए आपको अदरक की चाय बनानी है, और उस चाय को आप दिन में एक दो बार जरूर इसका इस्तेमाल कीजिए, तो आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसी समस्या से जरूर छुटकारा मिलेगा, आप ये बात को महसूस कर सकते हैं। और दूसरा जो आयुर्वेदिक नुस्खा है ये त्रिफला चूर्ण, जो कि आंवला, हरतकी और विभीतकी को मिला के बनाया जाता है। ये भी एक बहुत ही अच्छा सा घरेलू नुस्खे की तरह आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं आपकी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में। इसको आपको लेने की तरीका ये होगा कि आप इसकी जो मिक्सचर को आप घर में बना सकते हैं, या मार्केट में पतंजलि वगैरह की कुछ कंपनी का या बैद्यनाथ या डाबर का भी त्रिफला चूर्ण मार्केट में आपको मिलता है, उसको आप आसानी से ला करके आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रात को सोने से पहले आप गुनगुने के पानी के साथ, खाना खाने के बाद आप गुनगुना पानी के साथ आप 2-3 चम्मच आप इसका इस्तेमाल सेवन कर सकते हैं, जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा अगर आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम इन सारे एलोपैथिक मेडिसिन से अगर ठीक नहीं हो रहा है, या एलोपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल करने से आपको कुछ साइड इफेक्ट दिख रहा है, तो आप बेझिझक ये जो घरेलू नुस्खे को ट्राई कर सकते हैं या आप ये त्रिफला चूर्ण को इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरा नंबर पर ये आपके लिए बहुत अच्छा सा घरेलू नुस्खा है, जो कि इजीली हर घर में मिलता है, गाय के घी और गुड़, इन दोनों को मिला के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गाय के घी को एक नेचुरल लैक्सेटिव की तरह हम इसको मानते हैं। घी के इस्तेमाल करने से आपकी मल नर्म होता है, और आप गाय के घी और गुड़ को इस्तेमाल करने से आपकी पाचन तंत्र से जुड़ी सारे समस्या का समाधान होता है, और आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसी समस्या से छुटकारा भी मिल सकता है। और चौथा जो घरेलू नुस्खा है आपके लिए, आप हर रसोई घर में मिलता है ये चीज, जो कि हींग। हींग ना केवल आपकी खाने के स्वाद को बढ़ाता है, उसके साथ साथ इसका कई हेल्थ बेनिफिट भी देता है हींग आपको। हींग में मौजूद औषधीय गुण, जो कि आपकी पाचन अग्नि को बढ़ावा देता है, जैसे कि आपकी पाचन क्रिया सही जिसके वजह से हो पाता है। और आप रोजाना अगर हींग का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी कब्ज, गैस या अपच जैसी समस्या से आपको छुटकारा मिल सकता है। अगर आपको IBS जैसी समस्या है तो आप एक चुटकी हींग और उसके साथ
काला नमक और अजवाइन मिला के दिन में एक बार आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं खाना खाने के बाद, तो आपका आईबीएस जैसी समस्या से आपको भी छुटकारा मिल सकता है। और पांच नंबर पे आपके लिए इसबगुल, जो कि एक बेहतरीन सा हर्बल मेडिसिन या बेहतरीन मेडिसिन की तरह हम रोज इसको इस्तेमाल करते हैं, जो कि इसबगुल हम मानते हैं कि ये एक नेचुरल लैक्सेटिव होने के साथ साथ इसमें फाइबर की गुण ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, जो कि आपकी पाचन तंत्र से जुड़ी समस्या से आपको छुटकारा दिला सकता है। तो इसबगुल को अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं आईबीएस में, तो आप रात को सोने से पहले आप एक चम्मच इसबगुल की दाना, इसबगुल की भूसी और उसके साथ साथ कुछ पानी या दूध में मिलाकर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपकी आईबीएस जैसी समस्या से आपको बेहद राहत दे सकता है या उससे आपको छुटकारा मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था कुछ पांच ऐसे घरेलू नुस्खे जो कि आपकी आईबीएस यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसी समस्या से आपको छुटकारा दिला सकता है। ये सारे जो पांचों जानकारी मैंने दिया है, ये आपकी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसी समस्या से आपको मुक्ति दिला सकता है। लेकिन इससे अगर आप कुछ गंभीर समस्या में पीड़ित है, तो जरूर आप अपनी डॉक्टर को कंसल्ट करके आप उनकी परामर्श किया हुआ दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था कुछ ऐसे पांच घरेलू नुस्खे जो कि मैंने इस वीडियो में बताया। हो सकता है ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइए, ताकि आपको ऐसी हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पर मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और प्रोलाइफ देखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।